तो नमस्कार, बिंदास मार्केट ऑपरेटिव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री रेणुका सुगर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये शेयर जो है 120 तक जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको बेच दो। अब आप सोचोगे कि मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि 120 तक जाएगा, फिर भी आप इसको बेच दो, मैं ये भी कह रहा हूँ, इसका क्या रीजन है? इस वीडियो को पूरा देखना, इतने अच्छे से समझ में आएगा आपके कि आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सर या भाई, जो भी समझो आप, सही कह रहे थे आप। ठीक है, कमेंट्स करके खुद ही बताओगे। सो वीडियो को पूरा देखना। हमारा एक ही मोटो है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, आम पब्लिक जनता है, वो जब शेयर मार्केट में आती है तो वो कुछ ऐसे शेयरों में फंस जाती है अपने कैपिटल को लेकर के, कि वो हमेशा फिर फंसे ही रहते हैं, निकलते नहीं हैं, फिर वो रोते फिरते हैं और कहते हैं शेयर मार्केट एक जुआ है। सो हमारा एक ही मोटो है कि वो लर्निंग पर फोकस दें और अपने कैपिटल को सेफ रखें। जब तक आप अपने कैपिटल को नहीं बचा पाओगे तो दोस्तों कमाओगे किससे? जब आप युद्ध करने जा रहे हो, आप जो हथियार ले गए थे वही नहीं बचा पाए तो आप कैसे लड़ोगे? सो आप वीडियो को पूरा देखना। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनका स्वागत है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहले से देख रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद, लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं श्री रेणुका सुगर लिमिटेड एंड एग्री बिजनेस एंड बायोनिया एनर्जी कॉर्पोरेशन प्रेजेंट अक्रॉस द सुगर वैल्यू चेन। मतलब ये है कि एग्री बिजनेस में भी है, बायो एनर्जी में भी है, ठीक है, और चीनी भी बनाती है, ठीक है, सुगर तो एथेनॉल भी बनाती है, ठीक है, पावर ETC में भी काम करती है। सो कंपनी का बिजनेस तो कई सेक्टर में है, लेकिन क्या कंपनी के बिजनेस में दम है? मार्केट कैप 12,058 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी, ROC 15 का ROE है ही नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, बुक वैल्यू माइनस में 4 रुपये है और करंट प्राइस है 56 रुपये, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, कंपनी हैज लोअर इंटरेस्ट कवरेज, द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के सेल्स में कोई ग्रोथ है कि नहीं, सेल्स 1434 करोड़ से 2014 करोड़ होगी, लेकिन नेट प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है? नेट प्रॉफिट देखो माइनस 508 करोड़ से 43 करोड़ ही हुआ, ये तो हुआ क्वार्टर वाइज। अब मैं ईयरली वाइज अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ तो सेल्स 2816 करोड़ से 5,580 करोड़ पहुँची थी, लेकिन दोस्तों नेट प्रॉफिट तो कंपनी को हुआ ही नहीं, नेट प्रॉफिट तो माइनस में चल रहा है। अर्निंग पर शेयर देखोगे आप, वो भी माइनस में चल रहा है नीचे, ठीक है, कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। और यहाँ पर आप देखोगे रिजर्व में क्या है कंपनी के पास, रिजर्व में माइनस में 1239 करोड़ है। बोरिंग भी काफ़ी अच्छी है, 4861 करोड़ की बोरिंग है कंपनी के पास, जो कि बहुत अच्छी है, मतलब ज़्यादा है। और यहाँ पर बात करोगे कंपनी के पास नेट कैश फ्लो भी माइनस में है 32 करोड़ का। और कंपनी के पास देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न 58 से प्रमोटर्स ने 52% की हिस्सेदारी, 62% की हिस्सेदारी कर ली है, 2020 में बढ़ा ली थी अपनी हिस्सेदारी। लेकिन FII और DII तो दोस्तों माल बेच के निकल रहे हैं, इसका क्या करोगे आप? FII और DII तो कंटिन्यू माल बेचते ही जा रहे हैं, 12, 11, 10, 10.93। और लेकिन पब्लिक जो है इसमें कंटिन्यू माल उठाती जा रही है, क्यों भाई, ऐसा क्या है इस शेयर में? मैं आपको बताऊंगा, ये शेयर 120 जाएगा, फिर भी आपको बेच देना चाहिए। अभी तक दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा वीडियो देखने से पहले अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाओगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ उसके चार्ट की तरफ। जैसा कि आपने फंडामेंटली अभी इसका एनालिसिस किया तो कंपनी के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है, केवल प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है और कुछ नहीं है। FII डे वाले माल बेच के निकल रहे हैं, पब्लिक इसमें पैसा उठाती ही जा रही है। रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप मैक्सिमम चार्ट ओपन करके देखोगे तो कभी ये शेयर जो है 120 रुपये पर ट्रेड किया करता था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे। लेकिन उसके बाद कंपनी में बहुत देखो कई बार ऐसा हुआ है, अच्छा रिटर्न दिया यहाँ पर, फिर भयंकर गिरावट, फिर रिटर्न दिया फिर भयंकर गिरावट। तो अभी ये शेयर जो है 1.5 ईयर में 278% का रिटर्न दे चुका है और 1 ईयर में 502% का रिटर्न। और लेकिन आप ये कहोगे शेयर अभी आप बोल रहे थे 120 पे जाएगा, लेकिन फिर ही आप शेयर को बेच दो। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कंपनी बहुत छोटी है, ऑपरेटर का गेम है केवल इसमें, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कंपनी ने ऐसा रिटर्न पहले भी कई बार निकाल कर दिया है, लेकिन उसके बाद गिरावट भी काफ़ी अच्छी देखी गई है। सो आपको क्या करना है, अगर आपने मान लीजिए इस शेयर में मान लीजिए 10,000 रुपये लगाए थे तो आपका पैसा 5 गुना हो गया 1 साल के अंदर। अब आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे सर, एक बार अपना कैपिटल तो निकाल लो, वरना ऐसे बुरे फंसोगे ऑपरेटर के जाल में कि रोते फिरोगे हर जगह और कहोगे कि ऑफ शेयर मार्केट एक जुआ है। सो प्लीज़ अपने आप को पहले सेव करो, आधे बनिया तो बन जाओ, कैसे कहते हैं कहावत में,
पहले अपने आप को सेव तो करो। हर चीज़, हर बंदा अपने आप को सेव करता है। आपने सेव किया, अभी भी आप रिदेश देख रहे हो कि शेयर 120 तक जाएगा, चलो चला भी गया, क्योंकि आपने अभी यहाँ नहीं बेचा तो वहाँ भी नहीं बेचोगे। लालच तो है ही आपको, अगर आपने यहाँ पर भी नहीं बेचा, 500% का रिटर्न निकल गया, तो कम से कम अपना जो पैसा था 10,000 रुपये जो लगाया था वो तो निकाल लो, या फिर कुछ प्रॉफिट, आधा प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ तो निकाल लो। अगर आप यहाँ नहीं बेच पा रहे हो तो मान लीजिए 120 पे चला भी गया, कोई कहने की बात नहीं है, ये ऑपरेटर का शेयर है, कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं, 120 क्या 200 भी ले सकते हैं इस शेयर को, ठीक है। सो वहाँ पर भी आप नहीं बेचोगे क्योंकि अभी नहीं बेच पा रहे हो, तो वहाँ पर तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो लालच बहुत बुरी बात है दोस्तों, पहले स्टॉक में कभी फंसना नहीं है। सबसे पहले अपने आप को सेव करना है। क्या आपने सेव किया है कमेंट करके बताना, किसने बंदे ने इसको कितने पास खरीदा था, क्या किसी ने अपना प्रॉफिट बुक किया, या अभी भी आप सोच रहे हो कि शेयर भागता जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग इसमें बाय करने की सोच रहे हैं ना, अभी तो प्लीज़ बिल्कुल भी बाय ना करें, क्योंकि शेयर बहुत ही ओवरबॉट जोन में चल रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि इस शेयर की हिस्ट्री है, जब भी शेयर ऊपर जाता है उसके बाद गिरावट होती है। देखो जब भी शेयर ऊपर जाता है उसके बाद गिरावट होती है, खरीदने का मौका जरूर देता है। तो वेट कीजिए, भागते हुए शेयर को मत पकड़ो, बहुत बुरे फंसोगे। जब कंपनी ने यहाँ पर अच्छा रिटर्न निकाल के दिया था, तो देखो कितना कंसोलिडेटेड फिगर में चला है, मौका दिया है ना खरीदने का, तो जिन्होंने यहाँ खरीदा उनका अच्छा प्रॉफिट हो गया है, अभी भी वो निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कुछ शेयर छोड़ दो, अपनी आधे पैसे निकाल लो दोस्तों, पैनी शेयर है, बात को समझा करो, फंस जाओगे फिर आप रोओगे। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा फंस जाए, सो प्लीज़ पहले अपने आप को सेव कर लो। बाकी आपने देखा है कि कंपनी पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, केवल ऑपरेटरों का गेम है। पैनी शेयर है, पैनी शेयरों में ज़्यादा हो रहा है ऐसे गेम, ठीक है। सो स्मार्ट बनो, ज़्यादा लालच मत बनो पैनी शेयर में। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपके लिए लाकर लाता रहूँगा, ताकि आप अपने कैपिटल को फंसा न दें कहीं पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।